हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू आर डूइंग वेल। एंड लास्ट वीडियो मैंने शेयर करी थी रिगार्डिंग दिस यूट्यूब चैनल, क्या क्या इस यूट्यूब चैनल पे होने वाला है। सो जैसा मैंने बोला कि मैं कॉस्मेटिक रिव्यूज़ भी दूंगी, सो दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग कॉस्मेटिक रिव्यू। और बहुत सोच समझ के मैंने ये वीडियो बनाया है, और ऐसा नहीं है कि मैंने इस बात पर रिसर्च नहीं करी है कि जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ उसका वर्थ है या नहीं है। सो आई हैव रिसर्च अ लॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट बहुत मतलब बेसिक है, और आप लोग डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हो। आप लोग कहीं जाते हो तो आप यूज़ करते ही करते हो, स्पेशली गर्ल्स। तो दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग दिस फाउंडेशन वीडियो, और ये स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन है। एंड व्हेन आई परचेज दिस फाउंडेशन आई वॉज नॉट श्योर कि कैसा होगा, बिकॉज मैं फाउंडेशन कभी यूज़ नहीं करती। आई वॉज नॉट दैट मच यूज टू ऑफ मेकअप, बट नाउ आई हैव डिसाइडेड कि थोड़ा बहुत करना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा था। एंड दैट इज़ वेरी 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 नाइस प्रोडक्ट, बिकॉज मैं बताती हूँ, मैंने इससे पहले बहुत सारे ब्रांड्स के कॉस्मेटिक मतलब लिए थे। आई वॉज नॉट एज आई सेड कि आई वॉज नॉट यूज टू मेकअप, बट वो रखे रखे ख़राब हो गए और कुछ मुझे सूट नहीं करे, तो इसलिए मैंने फिर लगाने भी छोड़ दिए थे। तो बट ये जो मैंने ख़रीदा ना, दैट वॉज वेरी वेरी नाइस। और ऑनेस्टली बताऊँ, इसका जो रिज़ल्ट है ना, दैट वॉज मतलब एक हम जो उम्मीद करते हैं ना, बिल्कुल वैसा रिज़ल्ट है। सो दिस इज स्विस ब्यूटी हाई परफॉर्मेंस फाउंडेशन, और ये मुझे बहुत रिजनेबल रेट पर मिला था। रेट की बात हम वीडियो के एंड में करेंगे, बट हम पहले बात करेंगे कि इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ है। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्विस ब्यूटी जो है ना, मतलब इनके प्रोडक्ट बहुत मतलब कम रेट में और अच्छी क्वालिटी में मिल जाते हैं। पर्सनली मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इसका जो मतलब एक तो ना कि इसका एक टैगलाइन भी ऐसा है कि जो आपको अट्रैक्ट करता है। जैसे कि इसका टैगलाइन है, इट्स एम टू बी एवरीवन मेकअप्स लवर BFF। सो आई लव दिस कोट, एंड आई एम दैट पर्सन हु इज़ नॉट यूज टू मेकअप, बट आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट आई वॉज सो 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 ऑब्सेस्ड विद दिस फाउंडेशन। एंड आई जनरली यूज़ दिस फाउंडेशन ऑन अ डेली बेसिस, बट इन लेस क्वान्टिटी, नॉट दैट मच क्वान्टिटी। आई एम नॉट दैट पर्सन की जो बहुत मेकअप करे, बहुत रेयर मेकअप करती हूँ, बट वेन आई डू अ वेरी नाइस। सो दिस इज़ अ हाई परफॉर्मेंस फाउंडेशन इन 55 ग्राम ऑफ वेटेज। मैं इसकी खोल के दिखाती हूँ, सॉरी। सो दिस इज़ द इनसाइड द बॉक्स, एंड दैट वॉज वेरी वेरी सी दिस लुक इज़ वेरी रिच टाइप ऑफ लुक। और मतलब एक लगता है कि अगर आप इसको कैरी कर दो ना, और आपके पास में फाउंडेशन है, तो आपको एक अच्छी रॉयल्टी वाली फीलिंग आती है, मुझे आती है पर्सनली, ठीक है। तो दिस इज़ अ वैसा कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन सी एंड नाइसिनामाइड, एंड लिटरली दैट इज़ वेरी लाइट वेट एंड नॉट ग्रीसी, लाइक नॉट मतलब चिपचिप वाला नहीं है, ऑयली वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, जो मेरी स्किन पर बिल्कुल सूट नहीं करता। तो ये मेरे लिए तो बहुत बेस्ट रहा, और वैसे तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, बट ये आपकी स्किन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कैसी है, तो आपको सूट करता है नहीं करता। दैट इज दैट, लेट्स ट्राई दिस, एंड दिस इज हाउ इट्स ओपन। ओके, हाउ आई विल ट्राई दिस, आई थिंक टेक आउट दिस इन अ वेरी ज़्यादा क्वांटिटी, आई नॉट यूजिंग दैट मच फाउंडेशन। So when I blend it, you can see it's not like कि बहुत whitish look है, आपकी skin के साथ में बहुत अच्छे से match कर जाएगा। And इसकी खासियत ये है कि it's improve your natural skin and it will remove your acne from your skin. So I think this show the clear difference between these two hands. मतलब ये मतलब वाइट मतलब कि लग रहा है कि साफ है, बट वाइटिश में नहीं आ रहा, ये नेचुरल लग रहा है, एंड यू कैन सी द डिफरेंस। सो आई लव दिस फाउंडेशन, एंड अबाउट इट्स प्राइस, इट्स ऑलमोस्ट
MRP is 429, and but I purchase it in 350 something, because I purchase in this local, from the local shop, like cosmetic shops. So ये मेरे को 350 में अराउंड पड़ा था, बिकॉज वो थोड़े मेरी जानकार के थे, तो उन्होंने मुझे कम रेट पे दे दिया. प्लस इट्स डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड, आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो, इट विल नॉट हार्म योर स्किन. बट आई एम नॉट क्लेम दैट इट विल नॉट हार्म योर स्किन, इट विल, बट इट विल डिपेंड ऑन योर स्किन कि आपकी स्किन टाइप कैसे. अगर इफ़ यू हैव अ वेरी सेंसिटिव स्किन, जस्ट ट्राई इन अ लिटल वेरी लेस अमाउंट. After that, if you are okay with this product, then you can continue this product. And अभी से मत purchase करना, मतलब किसी से suggest कर लेना अगर किसी के पास में हो, just try it and after that you can purchase this. And this is how I said कि ये बहुत मतलब अच्छा product है. All over I will give this 9 out of 10. I reduce 1 marks because I am not that person जो बहुत makeup use करे, और डेली बेसिस पे मेकअप यूज़ भी नहीं करना चाहिए. आई मस्ट सजेस्ट यू टू ऑल ऑफ यू, जस्ट ट्राई टू ग्लो योर स्किन लाइक नेचुरली, ठीक है. बट आई विल रिकमेंड टू परचेज दिस फाउंडेशन, और इफ़ यू लाइक दिस फाउंडेशन आफ्टर यूजिंग, आफ्टर परचेजिंग, एंड इफ़ यू लाइक दिस फाउंडेशन इट विल इम्प्रूव योर स्किन, सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. और अगर आपके पास में पहले से है तो वो भी मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में कि आपने कितने का खरीदा. So this is all about this video, guys. Thank you so much. Now we will meet in the next video. Bye-bye.